हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई एंड हॉलीफाई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पूजा नियर बाई है, तो किस किस ने शॉपिंग की, किस किस ने नहीं की, प्लीज़ कमेंट डाउन में बताना और वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो क्लिक करने के लिए उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखना ताकि क्या क्या मैंने लिया है और क्या क्या आप लोग भी ले सकते हैं। सिर्फ अंदर 500 रुपीज का हॉल होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा होने वाला है ये, जो मैंने मीशो से लिया था अंडर रुपीस कितना था, 500। इसका कितना है, प्राइस क्या है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। ये है, मैंने लिया था एक शेपवेयर जो मैं मुझे साड़ी में पहनना था, क्योंकि नवरात्रि, दुर्गा पूजा और फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सीजन तो ऑलरेडी है, फेस्टिवल्स आ गया है, तो उसके लिए ही मैंने शॉपिंग किया है। तो आप लोग भी ये अफोर्ड कर पाएंगे। सो अंडर 300 के आसपास ही होगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो इसका अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, तो ऐसे ही हाथ से ही कर लेते हैं। और इस तरह के एक पैकेट में आया था, जो ऑलरेडी एक पैकेट फटा हुआ है, उसको ओपन कर लेते हैं। मैंने बेसिकली ये शेपवेयर ऑर्डर किया है, जो वाइन कलर का है, और मेरा वाइन कलर का साड़ी मैंने ऑलरेडी मीशो से ही लिया था। मैंने ऑलरेडी उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। और मेरा साइज था L, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और स्ट्रेचेबल भी है। आजकल नॉर्मल हम लोग पेटीकोट वगैरह पहनते हैं, तो उसे बल्की बल्की से एक शेप आता है। मुझे तो साड़ी पहननी आती नहीं है, पर इस शेप को ऐसे अच्छा खासा शेप मिल जाता है। आप लोग नॉर्मल पेटीकोट को ट्रांसफर करके इस टाइप का शेप वेयर आप लोग ले सकते हैं, तो बल्की नहीं लगेगा, साड़ी एकदम फिटिंग आएगी। सो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। कितना है इसका प्राइस, क्या है, मैं इसका ब्रांड का नाम एवरीथिंग मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, या लग चुका भी होगा। सो ये था एक फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट। सो सेकेंड प्रोडक्ट है ये, मीशो से ही मैंने मीशो से एक ब्लाउज लिया हुआ है। सो इसका ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोडेड है, मैं कहीं पर भी वीडियो चला दूंगी एडिट करके। सो ये एक ब्लाउज है वाइट कलर का, जो मैंने वाइन कलर की साड़ी में पहनने के लिए ही लिया हुआ है। मेरे पास वाइट कलर का ब्लाउज बहुत ज़्यादा है, 3-4 ऑलरेडी है, पर ये कुछ मुझे अच्छा लगा। सो इस पर डोरी भी दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बैलून डिज़ाइन का जो ब्लाउज था, उस टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है। और यहाँ पे ये फुल स्लीव्स है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये 32 अल्टरेबल मैंने ऑर्डर किया था, शायद ये मेरे फिटिंग में नहीं आएगा, थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये पैडेड ब्लाउज है, जो मुझे पैडेड ही अच्छे लगते हैं। तो आई प्रीफर इन साड़ीज फॉर ब्लाउज टू वेयर पैडेड ब्लाउज। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका मटेरियल, क्लॉथ्स एंड ऑल। इसका प्राइस आई थिंक 350 या 400 के आसपास ही आया था। सो स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी कितना क्या आया था। सो चेकआउट और कोड भी दिया होगा, आप लोग अगर पसंद आया तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। थम्स अप। मैंने लिया था एक कुर्ता सेट फॉर पूजा, जो मुझे रात को पूजा देखने के लिए जाना होता है, तो साड़ी कौन पहनेगा, तो कुर्ता भी चाहिए। तो मैंने उसका कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी नहीं किया था, ये अनबॉक्सिंग या हॉल होने वाला है। सो लेट्स सी। मैंने मीशो से ही ज़्यादा कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी खासी मिलती है। मुझे मीशो ने कभी धोखा नहीं दिया था, दिया है आई मीन। इसको अनबॉक्सिंग कर लिया मैंने, हाथों से ही फाड़ दिया। ये है इसका पैकेट, मैंने खोला भी नहीं। और इसका मैंने कलर ऑर्डर किया था पर्पल, और ये मीशो से अंडर 500 रुपीज का, और कुछ इस तरह से है। क्या क्या आया है, ओके, ये फर्स्ट है दुपट्टा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है ये दुपट्टा, OMG। और यहाँ पे लेस का काम किया हुआ है, जैसा फोटो में था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है दुपट्टा, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। और ये रहा इसका दुपट्टा, प्योर पर्पल कलर का है और सॉफ्ट मटेरियल में है, ना जॉर्जेट है ना सिफोन है, पता नहीं क्या कहते हैं इस कपड़े को, लेकिन पसंद आया। तो इसका ये ट्राउज़र है, यहाँ पे इलास्टिक का काम किया हुआ है, और इसका ट्राउज़र
जो बिल्कुल परफेक्ट है, और ट्राउजर के नीचे भी लेस का काम किया हुआ है, लेस नहीं सीक्वेंस का काम किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस का काम किया हुआ है, प्योर पर्पल कलर है, बेस्ट है, लव द प्रोडक्ट। और मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा खासा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है, मुझे पसंद आया ट्राउज़र। और इसका मटेरियल कॉटन है और ये चुभेगा भी नहीं, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि पूजा तो आने वाला है लेकिन गर्मी भी है, तो इस तरह के कपड़े अगर हो तो इट्स अ फेस्टिव वेयर, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फॉर मी। आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग भी ऑर्डर कर लेना। सो ये है इसका फ्रंट, जो बहुत ही अच्छा और सुंदर सा वर्क दिया हुआ है, सिंपल सा कुर्ता है, फेस्टिव के लिए बहुत सुंदर है, एम्ब्रॉयडरी प्लस सीक्वेंस का काम दिया हुआ है। सो ये इसका लेंथ, नीचे में सिंपल रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये 3/4 स्लीव से, स्लीव के लास्ट पे भी सीक्वेंस का काम प्लस एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, ऐसे लेस डिजाइन दिया हुआ है, सिंपल है बट सुंदर भी है और वर्थ इट है। अंदर 500 रुपीज़ का मुझे मिला था और मेरे पे अच्छा जाएगा भी। सो थम्स अप। ये कुर्ता जो है, कुर्ता पैंट का सेट जो है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और 500 के अंदर तो वेरी गुड। सो अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रोडक्ट जो होने वाला है ये है एक मीशो से ही लिया हुआ हेयर कर्लर, और मैंने इसका अनबॉक्सिंग नहीं किया है अभी तक, देखते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया है, देखते हैं वेदर इट्स वर्क और नॉट, इसका अलग से रिव्यू आएगा लेकिन चेक करते हैं। ये अंदर 200 के आसपास ही मिला था, अगर तो ऑलमोस्ट 190-170 के आसपास मिल जाएगा। लेट्स सी कैसा है ये प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे दो अटैचमेंट मिला है, एक ये और एक ये पहले ही खुल गया, पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, लेट्स सी। मैं इसका अलग से रिव्यू प्रोवाइड करूँगी। सो अगला प्रोडक्ट ये है, मैंने बैंगल्स ऑर्डर किया था। मैं ऐसे ना बैंगल्स वगैरह में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा, क्योंकि एक सेट के लिए, एक दर्जन के लिए अगर 250-300 देना पड़े तो वो वेस्ट है। वेस्ट तो नहीं, मतलब पहन सकते हैं, पर कभी कभी हम लोग पहनते हैं, ज़्यादा तो हम लोग सिंगल बैंगल्स ही पहनते हैं। सो न्यूली मैरिड के लिए बहुत अच्छा है, न्यूली वेड ब्राइड के लिए, क्यों यहाँ पे मुझे मिला एक कार्टून के अंदर, ये मैंने फेंक दिया, ये है बैंगल्स, और यहाँ पे और एक कार्टून आया था, अच्छे पैकेजिंग के साथ आया था, और ये है बैंगल्स। मेरा तो साइज़ है 2.6 और यहाँ पर 6 दर्जन मिले थे, येल्लो रेड ग्रीन प्लस ये वाइन कलर है, ये ऑफ वाइट है, ये मरून कलर, 6 सेट में मिला था। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये कांच के ग्लास बैंगल्स है, और इसको तो मिलते हैं अब और प्रोडक्ट के साथ, और भी है मेरे पास। सो चलिए, ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन डोंट माइंड, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो मिलते हैं अगले प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट है ये साड़ी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। ये जो साड़ी है मुझे भी बहुत पसंद आया था, बहुत दिनों से मैं लेना चाहती थी, ये लगभग 300 के आसपास में ही मिल जाता है, और ये रेड कलर का है, तो किसी किसी को रेड कलर से ऑब्सेस्ड भी होता है, मुझे रेड कलर काफ़ी पसंद है, मैरिड वुमेन के लिए तो अच्छा ही है। और मीशो पे ना अकॉर्डिंग टू माय बजट के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और वही बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बोलने लगी हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो भी एंड तक देखना, ताकि मैं अकेले ही बोलते ना रहूँ, आप लोग का भी रिप्लाई आए। तो ये था इसका साड़ी, पता नहीं इसका ब्लाउज है कि नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ नोट लिख के भेजा है मुझे, हेलो डियर कस्टमर बाय गिविंग 5 स्टार और व्हाट्सएप नंबर और पेटीएम, यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, इसको रखते हैं पहले। उसके बाद साड़ी, ये प्योर जॉर्जेट शिफॉन मटेरियल है, जॉर्जेट ही किस शिफॉन है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक धागा निकला हुआ है, मुझे जो पसंद नहीं आता, इसकी फिनिशिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, सो लेट्स सी। इसमें बहुत सारी कलर्स है, अभी तो स्काई ब्लू भी आ गई है, ब्लैक भी आ गई है, वाइट टैन रेड तो अवेलेबल थी, ग्रे कलर एंड मतलब बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है,
और आप लोग भी जाके बाय कर सकते हैं ये चीज़। अगर आपके बजट में 300 आपका बजट है या 400 आपका बजट है तो आप ये साड़ी बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट थ्रेड से हार्ट का काम किया हुआ है, प्योर शिफॉन का ही कपड़ा है, जॉर्जेट नहीं है, शिफॉन है, और ये हार्ट का काम किया है, पूरी तरह से ही हार्ट का ही काम किया हुआ है। पूरा काम किया हुआ है इसका, सिंपल साड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, मेरे पे अच्छा जाएगा, हाँ मेरे पे अच्छा ही जाएगा। ओके तो ये लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट है मेरा, एक और प्रोडक्ट तो आया ही नहीं, डिलीवरी वालों ने डिलीवरी ही नहीं की क्योंकि ये थोड़ा दूर में पड़ रहा था, मेरा जो एड्रेस था तो जहाँ पास में था वहीं पर बहुत सारा पार्सल्स था तो वो लोगों ने उधर ही दिया, तो इधर का डिलीवरी टाइम आउट हो चुका था तो वो लोगों ने कैंसिल कर दिया, वो तो आया ही नहीं। मेरा स्लिंग बैग था जो पूजा में, वो तो चाहिए पर्स एंड स्लिंग बैग, इसको नहीं चाहिए। तो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, चलो। और ये तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया था तो मैंने इसको देखा भी था क्योंकि ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चॉइस से ही मैंने खरीदा, बाकी का तो उनको पता भी नहीं है मैंने खरीदा है बोल के। तो इसका पिक्चर्स देख लेते पहले, फोटो ये अंदर मुझे 500 पड़ा था, इसका अकॉर्डिंग टू सेलर प्राइस है, कहीं पे 600, कहीं पे 700, कहीं पे 800, कहीं पे 400, कहीं पे 500, मैंने अंदर 500 रुपीस में ले लिया। तो फर्स्ट आता है इसका डीप ग्रीन कलर का, स्क्रीन पे मोबाइल पे ब्लू दिख रहा है पर ब्लू नहीं है, ये पूरा ग्रीन कलर का है और ये जॉर्जेट मटेरियल है, ब्लाउज पीस है, काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे गोल्डन थ्रेड का काम दिया हुआ है, गोल्डन थ्रेड का पूरा दिया हुआ है इसका, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा काम किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एम्ब्रॉयडरी का काम किया है गोल्डन धागे के साथ, और यहाँ पे सुंदर सा डिजाइन किया हुआ है। इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, बाद में हम लोग टेलर आंटी के पास जाएंगे तो वो ये फिनिशिंग कर देंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्लाउज पीस मिला है मुझे, ये तो मैं पहनने ही वाली हूँ और काफ़ी पसंद आया काफ़ी हद तक। और ये 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिला था मुझे, ये एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस मिला था, कहीं तो साड़ी में ही अटैच होते हैं, ये साड़ी में अटैच नहीं था, ये बिल्कुल अलग था। बैकग्राउंड पे नॉइस आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे और भी लोग रेंट पे रहते हैं, ताकि हम लोग भी रेंट पे रहते हैं, और भी लोग रेंट पे है तो ऑनर है, उन लोगों के बच्चे भी है तो हल्ला वगैरह होगा, प्लस बारिश भी दे रही है। सो ये था इसका ब्लाउज। अच्छा एक बार बताना हॉल कैसा लग रहा है, आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, अगर देख लेना और पसंद भी आया होगा ये हॉल, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। पूजा की शॉपिंग इसी रेट से इसी बजट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने स्किन केयर मेकअप में भी बहुत कुछ लिया, मैंने उसका ऑलरेडी शूट कर लिया है, पता नहीं कौन सा वाला पहले जाएगा, सो वो भी अफोर्डेबल है। सो ये था इसका ब्लाउज जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा काम दिया हुआ है, शायद ये इस ये एरिया जो है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे जाएगा, आई डोंट नो, वो तो आंटी ही बताएंगी। तो इसका भी मेकअप लुक अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका भी मेकअप लुक जरूर आएगा। सो ये था इसका ब्लाउज पीस और ये रहा इसका साड़ी। ओ एम जी कितना सुंदर है ये ना, सी नहीं टिल्टेड ग्रीन, जैसे कि मेरा वॉच इसका एक सेम कलर है, इसका थोड़ा सा लाइट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्क्रीन पे मैं दे दूंगी इसका। तो ये है इसका साड़ी और ये प्योर शिफॉन है कि जॉर्जेट है समझ में नहीं आ रहा है, तो जॉर्जेट ही होगा, और इसका मैंने थ्रेड अभी तक खोला नहीं है। लेट्स तो मैंने इसको पूरा खोल लिया है, यहाँ पे टिल्टल ग्रीन एंड गोल्डन का काम किया है, ये फैब्रिक का काम किया हुआ है यहाँ पे, शायद ये रिमूव भी हो सकता है बाद में क्यों, लेकिन इतना साड़ी तो पहना नहीं जाता है तो रिमूव होने के चांसेस कम है, एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, और यहाँ पे लटकन भी दिया हुआ है, ये आँचल है, ये पूरी साड़ी जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये लटकन है, ये आँचल है, और पूरा बॉडी में होल बॉडी में ऐसा ही वर्क दिया हुआ है, और जो काफ़ी प्रीटी एंड काफ़ी सही लगा मुझे, अकॉर्डिंग टू प्राइस 500 के अंदर इतना अच्छा साड़ी तो आपको दुकान में शॉप में तो नहीं मिलेगी, तो आई थिंक इट्स अ वर्थ बाइंग एवर, मेरी और मेरे हस्बैंड की चॉइस से ही परचेज किया। लेकिन ये थोड़ा सा सी थ्रू है, इसके अंदर आपको मैचिंग पेटीकोट या सेफ्टवेयर आपको पहननी पड़ेगी, मेरे पास ऑलरेडी है, सो
आई डोंट नीड टू बी वरी, और मुझे कोई दूसरा खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे ये ऑलरेडी मिला हुआ है, इसका पेटीकोट मेरे पास ऑलरेडी है मैचिंग मैचिंग, और इसका ब्लाउज जो है मुझे A1 लगा। A1 बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके ब्लाउज के पीस के अंदर ना, क्लोथ के अंदर मुझे एक लाइनिंग लगवानी पड़ेगी, नहीं तो वो थोड़ा सा रफ है, नहीं तो वो चुभेगा। तो अगर कॉटन की लाइनिंग दी जाए तो परफेक्ट है। सो ये साड़ी वर्थ बाइंग है। सो यहाँ पे हम लोग का मीशो का हॉल जो है ख़त्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अच्छे अच्छे शॉपिंग कर पाए, और मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर लेना, ताकि न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। सो बैकग्राउंड पे न्यू नॉइस आ रहा होगा, सो डोंट माइंड। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय।